हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम. सो गाइस, कल मैंने जो है किचन की अच्छे से सफाई कर दी थी, बर्तन बर्तन वॉश करके अंदर भी लेके आ गई थी. और इस काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, फिर उसके बाद मुझे टाइम मिला ही नहीं शाम का खाना पीना. तो फिर अगले दिन आज मैं फिर से अपनी ड्यूटी पे लग चुकी हूँ, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए. यानी किचन से ही स्टार्ट किया है, जो भी बर्तन थे इसको लगा के किचन को खाली कर देते हैं. बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है, कुछ भी सामान ढूंढ रही थी ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी. मैंने जैसे तैसे एक दिन तो काट लिया, मैंने कहा आज इसका सबसे पहले यही काम करेंगे. तो बर्तनों को मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है. नीचे रहती है मेरी जो थाली हैं, प्लेटें हैं छोटी बड़ी, वो सारी लगाने के बाद फिर ये बीच वाले में भी मैंने कुछ बर्तन रख दिए थे. इसके बाद हम आ चुके हैं ऊपर वाले में. और ऊपर देखिए जगह मेरे पास कितनी कम है, और गिलास मेरे पास बहुत सारी हैं, बाउल भी बहुत सारे हैं. यहाँ पे मतलब 3 सेट है मेरे पास कटोरी के. तो मैं क्या करती हूँ, जो सबसे छोटा होता है उसको अंदर करके उसके बाद 2 ऊपर से, 2 सेट कटोरी के और लग रहे थे. तो कहने का मतलब है 3-3 करके मैं यहाँ पे लगा रही थी, कटोरी 3 एक साथ लग रही थी, तब जाके जितनी भी हैं सब आ रही थी. तो गिलास भी बहुत ज़्यादा थी, छोटी बड़ी. तो छोटी गिलास के ऊपर मैं बड़ी गिलास लगा के इस तरीके से मैं अपने सामान को एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है और बर्तन ज़्यादा है. तो मैं जो है ना चीज़ों को बहुत ही मतलब उस तरीके से रखना पड़ता है, वरना फिर मेरे बर्तन ना आएंगे ही नहीं. इसीलिए जौन सी चीज़ मैं जहाँ से उठाती हूँ उस चीज़ को मुझे वहीं प्रॉपरली रखना पड़ता है. तो यहाँ का हो गया था. उसके बाद ये जितने भी बर्तन थे, यहाँ पे कप हैं 2-3 प्रकार के, तो वो भी वॉश करके अच्छे से वो हो चुके थे. जो भी मेरे को हल्का फुल्का लग रहा था वो मैं कपड़े से पोंछ रही थी. तो ये देखिए बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, ये सारे बर्तन मुझे लगाने हैं. तो कुछ बर्तन जो टोकरी में थे ना, मतलब उसमें सॉरी जो बर्तन रखने वाला होता है उसमें थे बड़े बड़े बर्तन, वो मैं कल लगा चुकी थी, उसे पकड़ के सीधे अंदर रख दिया था. बाकी नीचे का लग ही चुका था. उसके बाद फिर ये कांच वाले गिलास थे, कप वगैरह थे, इनको भी यहाँ पे मैं रख रही हूँ. तो इस तरीके से मुझे ना बस एडजस्ट करना पड़ता है बर्तनों को ताकि अच्छे से आ जाए. फिर उसके बाद ये करने के बाद कुछ बर्तन और यहाँ पे रह गए थे. ये खाना गर्म करने वाला था जिससे मैंने गलती से इसमें पानी चले गया था, बट अभी मैं हिला रही थी उसको क्योंकि वो बज रहा था जब इसके अंदर पानी गया था. तो अभी अच्छे से सूख चुका है, बट ये काम करेगा नहीं करेगा इसका कोई अता पता नहीं है, बाद में देखेंगे. और इसके बाद यहाँ पे जो चम्मचें थी वुड वाली, उनको मैंने इस पे रखा है. और इसी तरीके से 2 डिब्बे बना रखे हैं मैंने, यहाँ पे जो भी है इसको रख दिया. और ये चम्मच थी पुरानी, तो इसका स्टैंड था, इसको तो फिर धो के हाथों हाथ उसी में रख दिया था. ये कप है तो इनको भी मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ. तो ये सारे मैंने वॉश किए थे इसीलिए फिर ऐसे ही छोड़ दिए थे. तो अब मैंने इनको अच्छे ढंग से जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ उसी तरीके से लगा लिए हैं. बर्तन साफ़ सुथरे हो चुके हैं ये देखिए. और साफ़ सुथरे बर्तन ना अलग ही शाइन करते हैं, अच्छे से धुल जाते हैं, चमकते हैं. तो फिर किचन में लगाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारा किचन बहुत अच्छे से साफ़ किया था और उसके बाद बर्तन अच्छे से धो लिए तो एक अलग ही मतलब लग रहा था साफ़ सुथरा. फिर उसके बाद जो बर्तन मेरे ऊपर रहते हैं इस साइड भी, ये वाले बर्तन मैंने इस तरीके से लगा दिया है. और ये चम्मच का स्टैंड अंदर रहता है क्योंकि बाहर जगह नहीं है, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने लगा दिया. इसके बाद ये यहाँ पे था ऑर्गेनाइज़र, डिब्बे रख सकते हैं या फिर कुछ और भी सामान रखना चाहिए. इसके नीचे टॉवल हैंग करने वाला है, तो ये मेरा एक्स्ट्रा बच गया था. 4 सेट मिले थे जिनको मैंने लगा दिया. तो ये ना टाइल पे ही लगता है और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, या किचन में टाइल पे लग सकता है या फिर बाथरूम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो बाथरूम में नीड नहीं थी मुझे इस वक्त, ये मेरा एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया. और जो खाना गर्म करने वाला था उसको फिर मैंने ना उसका कवर मैंने फेंक दिया था, वो गंदा हो जा रहा था, इसलिए मैंने फिर एक जो है बैग नहीं होता जिसमें सामान वामान लाते हैं, पॉलीथीन बैग जो भी है उसके अंदर डाल के ऊपर रख दिया ताकि वो दोबारा गंदा ना हो. और यहाँ की चीज़ों को भी मैंने अच्छे से लगा लिया है. सो गाइस, फाइनली जो है मैंने अपना किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है. ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से उनकी प्रॉपर जगह पे लगा दी है. और ये यहाँ पे मैंने फ़िलहाल ये चीज़ रखी है, ये बाउल काफ़ी बड़ी हैं और बाउल रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है.
तथा छक्का छक ऊपर नीचे सब कुछ भरा हुआ, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। सो गाइस इतना काम मेरा कंप्लीट ही हो रखा था कि हस्बैंड जी बुला के लेके आ गए थे भैया को, क्योंकि कुछ फोटोज वगैरह थी जो वॉल पे लगानी थी। तो आज हमारा ये काम भी स्टार्ट हो गया, मतलब मैंने उस काम को निपटाया था तब तक भैया आ चुके थे और पूरा सामान यहाँ पे अस्त व्यस्त हो चुका है। तो जितनी भी फोटो हैं वो हमारी पहले की बनी हुई है, तो आज इसको लगाएंगे। आ चुके हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो फोटो रखी है ना मोबाइल में, उसमें बना लेना जो अच्छी आई है। ये फर्स्ट बार गए थे तब की है रेखा, फ्रेम सही है, इसकी फोटो चेंज करवा लें, फ्रेम तो काम है, फोटो लगवा लेना है ना भैया, आपके फ्रेम के पैसे बच जाएंगे। कोई रूम है ये देखिए मैडम जी को देखिए झालर लगाएगी आज तू, छत के ऊपर तुझे ही फंसाएंगे, ले जाओ खूब काम करवाओ इससे। माला बहुत अच्छे से लगा, टेस्टी हाँ हाँ क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं, भैया से ऑर्डर करवा। ना ना भैया बाजार की नहीं चाहिए ना, फिर क्या चाहिए, आप बना के खिलाओगे, क्या खाएगी बता, क्या करें? कुछ भी बोले काम मैं करूंगी और अच्छा सा खिलाओगे तुम, बाहर वाला तो वैसे बोल। ना ना वो भाभी हम नहीं करेंगे कि हमारा बजट खराब हो जाएगा। कितना बोला उसने, 30,000? 30,000 बोला उसने। ये हाँ ये भी बड़ी अंसूर ऐसे देखिए, तो ये बड़ी बड़ी सी इसी पर लगा लो भैया, बात देखिए बड़ी तो बराबर ही है हमारी ना, नहीं बड़ी है। अरे यहाँ पे इसका सेटअप बनेगा ना, सही है। हाँ ये भी सही है, वॉल के हिसाब से सही है वो। दीवार में कुछ खुदता भी नहीं है और वो भी नहीं होती है। शादी की फोटो हमारी गई, ये थोड़ा उठल कूद के हुई है, ये तो आपने लगाया भैया, कोई बात नहीं दोनों बराबर ही है ना, बराबर है वो मशीन, वो मुझे फुली हुई है। 11 साल पहले आप ऐसे थे हैं, 11 साल पहले भैया ऐसे थे और 11 साल बाद भैया वैसे हैं, पतले से मासूम से लगते थे पहले, अब डॉन अब डॉन लगते हो तुम, डॉन मैं शुरू से मैं चाहता था कि विलन मींस मतलब ऐसा चेहरा देखेंगे लोग कहेंगे थरथराए, लोग थरथराए कसम से। देखिएगा इस फोटो हमारी, इसके नीचे अब नहीं लगेगा, बस हो गया सर, फिनिश हो गया ना, इसके नीचे लगाएंगे, इसके नीचे लगाओगे फिर दिखेगा क्या, फिर हाँ छेद बड़ा होने, छेद बड़ा पुट्टी छूट गया ना वो, ये भी है बना ना, तो बना तो लगा तो साथ। सो गाइस यहाँ पे जितनी भी फोटोज़ बनी हुई हैं वो सारी ना पुरानी हैं, इसमें से 2-3 ही नहीं थी, तो पुरानी हैं तो उनका कुछ जो है सेट ना अच्छे से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सबके सेफ एंड साइज़ अलग अलग थे। तो हम कर रहे थे यहाँ पे नीचे लगा के देख ले रहे थे कि कौन सा सही रहेगा। बेडरूम के लिए बाद में देख लेंगे, दो लाइन ये सही है, कुछ अलग सा है। कुछ गिरा दिया आपने, खा मैंने घड़ी में, अभी ढूंढूंगी पुरानी वाली लगा लेते हैं। खाली पत्थर आया था ना, पत्थर सीधा है, सीधा है। सो गाइस फाइनली हमारा ये काम भी हो चुका है, जितनी फ़ोटो फ्रेम बनी हुई थी पहले की, तो पहले हम नीचे हम लोगों ने लगाया था और फिर उसके बाद हम ऊपर शिफ्ट हो गए, ये फिर मैंने रख दी थी बेड के अंदर। तो हम सोच रहे थे जब दोबारा कुछ काम करवाएंगे तब लगाएंगे, तो आज फिर घर की सफाई करनी थी तो हमने कहा चलो पहले इस काम को निपटा लेते हैं। अभी मेरा काम बचा हुआ है थोड़ा बहुत, किचन का डिब्बे रखने हैं मुझे बस, बट ये जो है ना भैया को लेके आ गए थे तो मैंने कहा चलो अब इस काम को कर ही लेते हैं, क्योंकि ये काम हो जाएगा उसके बाद सफाई करने के लिए भी सही रहता है ना। तो सारी जितनी भी थी वो लग चुकी है वॉल पे और वॉल काफ़ी अच्छी
अच्छी लग रही है जो हमारी लॉबी है, अब थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है। पहले ना काफ़ी सिंपल सा लग रहा था, मगर आज थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद इस बंजे यहाँ पर लाइट मुझे चेक करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह ये लाइट लेके आ चुके थे, तो लाइट वाइट का काम जो भी है ये भी हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है और इस बंजे के पास टाइम नहीं है। मेज के ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा धूल हो चुकी है, तो सोचिए कमरे का क्या हाल होगा हुआ होगा। तो सोफ़े हमने ना बहुत अच्छे से झाड़ लिया था, कपड़े से भी साफ़ कर लिया था, दोनों जने हम लगे हुए हैं। तो आज हम ना थोड़ा सा सोच रहे हैं जितना काम निपट जाए उतना काम निपटा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नामकरण है। तो पहले प्लान कुछ और हो रहा था कि बाद में करेंगे, मतलब गाँव खिलाना पड़ता है ना, तो बाद में सोचा था, फिर जाके प्लान आज सुबह ही चेंज हो चुका है। तो प्लान बनाया है मतलब परसों का, जिस दिन नामकरण होगा उसी समय, क्योंकि जो दीदी है, इनकी जो दीदी है उनका बड़ा वाला बेटा, वो दिल्ली पे रहते, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से कुछ और ही बन रहा था प्लान। बट अब फिर से ये हो चुका है, तो उसकी तैयारियाँ भी करनी है। और हमारे पास आज का दिन तो निकल ही चुका है, बस कल का दिन है, तो कितना हो पाएगा काम देखते हैं। कल का दिन सॉरी मैं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी कल उनको लेने के लिए जाएंगे, तो हस्बैंड जी कल को है नहीं और मुझे ही करना है, तो उनके हाथ का जो भी काम है जो मैं नहीं कर सकती वो उनने आज ही निपटा दिया, पंखे वगैरह साफ़ करना, दीवार जाले वाले, तो वो ने इसी काम में लगे हुए थे, तो दोनों जनों ने मिलके ये काम कर लिया है, साफ ऑफ कर लिया है, और जो है चीज़ों को उनकी जगह पे लगा देंगे। और इसके बाद फिर हस्बैंड जी चले जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ का काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे करनी है सफाई। और वो जा रहे हैं ऊपर लाइट वाइट लगाने के लिए, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और दो जनों की ज़रूरत होती है। जब भी लाइट लगानी होती है हस्बैंड जी ऊपर से लाइट लगाते हैं और मुझे ना खड़ा कर देते हैं नीचे देखने के लिए कि सारी बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, इसीलिए तब तक वो लगा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं चले जाऊंगी बाहर। यहाँ की मैंने सफाई कर ली थी, पर ड्रिल करने से बहुत ज़्यादा जो बारीक धूल होती है ना फ्लोर पे अच्छे से बैठ जाती है। उसके बाद उनने जो है ओने कोने से जाले निकाल दिए थे और पंखे साफ़ कर दिए थे, पंखे से भी इतनी सारी गंदगी निकली। वैसे हम बीच बीच में कर देते हैं, मगर फिर भी इतनी सारी गंदगी धूल, तो भैया क्या ही कहें, इतनी बारीक बारीक सी धूल ये देखिए। तो दो तीन बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये जो धूल है ना ये साफ होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाएगा हमको आगे, और दीपावली बस आ ही गई है, तो जितना मुझसे होगा मैं करूँगी, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा। और उसके बाद फिर दूसरे वाले रूम के हस्बैंड जी सब करके चले गए, पंखा वंखे साफ़ करके और जाले वाले निकाल के चले गए थे वो। और फिर यहाँ पे मैं लॉबी में मैंने किया ही था, बट मैं एक एक बार और मार ले रही हूँ झाड़ू, ताकि अच्छे से साफ हो जाए। इसके बाद मैं सीधे जाऊँगी बाहर। गाइस देखिए हरी जी टॉप में चढ़े हैं, लाइट लगने की तैयारी हो रही है, और ये झालर यहाँ से लटकते 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 लटकते। अरे इससे देखिए हमारे हमारे हाँ बराबर है। अब तारे तारे इनकी जो लाइट है वो अलग करनी पड़ेंगी ना, उलझे ना। आ गए, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है धूप में, मेरी आंखें नहीं खुल रही धूप में, मन भी गया, आंसू का आने का टाइम हो जाता है। और करूंगी देखना तू आ बाहर। तो ये है हमारा पूरा मकान, ये देखे। हेलो नीचे कौन सा रबड़ बालों में लगाने वाले का, इसमें क्या काम रबर का, इसमें मैं जानती हूँ आप क्या करना चाहते हो। खुश रहता है ये, आह आह आह
आ जा। सो गाइस हम आ चुके हैं टॉप में, अपने टॉप वाले छत में। यहाँ पे हस्बैंड लगा रहे हैं लाइट, ये देखिए। कहाँ मैं अपना काम शुरू करने वाली थी, ये कैक्टस देखो, ये तो देखो, इसको तो देखो, इसको कुछ नहीं मिलता, ना खाद ना दवा ना पानी, इतना हरा भरा हो रखा है। सो गाइस दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हस्बेंड्री लगा रहे हैं लाइट, और मतलब शुरू हो गया है काम। कल को इनको टाइम मिलेगा नहीं, परसों को नामकरण है और फिर दिवाली आ गई है, इसलिए आज जितना हो सके उतना कर रहे हैं। सुबह से लगे पड़े हैं हम लोग, कभी कुछ तो अंदर का फाइनल करके अब ऊपर की थोड़ी बहुत लाइट लगा दे रहे हैं। अभी एक दिन में पूरी हो नहीं पाएगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, खाना पीना भी खाना है। सुबह से हम लोगों ने नाश्ता तो आज टाइम पे कर लिया था, हमने आज नाश्ता 8 बजे नाश्ता कर लिया था, अंशु और हम तीनों ने साथ में कर लिया था, फिर अंशु स्कूल चले गया था। देखते हैं क्या क्या करते हैं धीरे धीरे। ये देखिए गाइस आज रेखा ने इतनी सारी लाइटें लगा दी हैं, ये देखिए पहले से एक ही कलर का होना चाहिए। हम सुन सो गाइस ऊपर नीचे करते करते ना हालत खराब हो गई है और फाइनली इतनी सारी लाइट जो है लग चुकी है, अभी भी लगानी है, मतलब ये खाली इतनी सी ही हम अभी लगा पाए तो शाम तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और रेखा लगी हुई है ऐसे, थोड़ा सा हमारा हंसी मजाक ये सब चल रहा था, तो पूरा लुक जब पूरी लाइटें लग जाएंगे ना फिर दिखाएंगे, तो आप लोग की तैयारी कैसी जाएगी, तो कौन सी आफत आ जाएगी, और फिर मिलेंगे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय एंड ये भूल जाएंगे ना, मैंने माना लगा रखी टक टक इनके सर में लगे।